बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वाकया, हैरत अंगेज़ मौजज़ात। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंची और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई तो मैंने देखा कि जिस कमरे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे वो कमरा सारा चमक रहा था। मैंने हज़रत आमना रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आपने इस कमरे में बहुत सारे चिराग जला रखे हैं, तो हज़रत आमना ने जवाब दिया, नहीं बल्कि ये सारी रोशनी मेरे लख्त जिगर मेरे बच्चे के चेहरे की है। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं अंदर गई तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे लेटे हुए सो रहे हैं और अपने मुबारक नन्ही उंगलियाँ चूस रहे हैं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल देखा तो फरेख्ता हो गई और हज़ूर की मोहब्बत मेरे बाल बाल में रच गई। फिर मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर के पास बैठ गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर अपने सीने से लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चश्माने मुबारक खोल दिए और मुझे देखकर मुस्कराने लगे। मैंने देखा कि इस नूर भरे मुंह से नूर ही निकला। मैंने नबी अलैहि सलाम को उठाकर बहुत प्यार किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस चलने लगी तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ देना चाहा तो मैंने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेने के बाद मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मैं इस नेमत को गोद में लेकर बाहर निकली तो मुझे हर चीज़ से मुबारकबाद की आवाज़ें आने लगी। फिर जब मैं अपनी सवारी पर बैठी तो मेरी कमज़ोर सवारी में बिजली जैसी ताकत पैदा हो गई कि वो बड़ी बड़ी ऊँटनियों को पीछे छोड़ने लगी। सब हैरान रह गए कि हलीमा की सवारी में यकदम ये ताकत कैसे आ गई। तो सवारी खुद बोली, मेरी पुश्त पर अव्वलैन और आखरैन के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हैं, उन्हीं की बरकत से मेरी कमजोरी जाती रही और मेरा हाल अच्छा हो गया। सुभान अल्लाह, उनकी बरकत से ये सब हुआ। ये थी हमारी आज की इस्लामिक स्टोरी, जरूर आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।